हिमाचल की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है और जनता के जहन में होगा कि भाई सरकार बीजेपी बनाएगी या फिर कांग्रेस। इक्वल 32-32 दोनों बराबर बराबर, 32-32 फिर से वही बात, चार बहुत अहम हो जाते हैं और ये चार कौन है, किस इलाके से जीते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिर भी हमें इंतजार करना होगा कि फाइनल टैली, फाइनल नंबर्स क्या होता है, लेकिन जनता के बीच जरूर खलबली मची हुई, जैसे कि यहाँ पर स्टूडियो में मची हुई है कि सरकार हिमाचल में कौन बनाएगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है फिलहाल इन नंबर्स को लेकर, 32-32 वाले नंबर इस वक्त आए हैं। सतीन चौहान हमारे साथ शिमला से जुड़ेंगे, हम तस्वीर उनसे भी इस वक्त पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जब कांटे की टक्कर हो तो ऐसे में अन्य की भूमिका अहम हो जाती है और वो अन्य क्या भूमिका निभाएंगे वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही साथ गुजरात की भी तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, आम आदमी पार्टी ने अगर हिमाचल में कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है तो गुजरात में एटलीस्ट उन्होंने 6 पर लीड अभी ली हुई है, 155 पर बीजेपी, 18 पर कांग्रेस, ये गुजरात की तस्वीर, 3 पर अन्य। लेकिन हिमाचल की बात करें तो वापस से देखिए, 30 हो गई है बीजेपी और 33 हो गई है कांग्रेस, तो अभी नेक टू नेक, और इसमें 5 अन्य बढ़ते जा रहे हैं। मुझे अनंत अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ दोनों पार्टियों से जो कम होंगे उसका फायदा कहीं ना कहीं अन्य ले जाएंगे, और ये बड़ा कारण हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम उन लोगों को टिकट नहीं दिया था जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, जो जाहिर सी बात है वो पार्टी का डिसीजन था कि वो जो परफॉर्म नहीं करेगा उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़े, और अगर ये वही लोग हैं तो फिर देखने वाली बात होगी कि अगर ये लोग जीतते हैं तो बार्गेनिंग पोजीशन में जाहिर सी बात है अपर हैंड पर। इन नंबर्स में नवजोत एक तस्वीर और उभर कर सामने आती है, देखिए 30 बीजेपी है, 33 कांग्रेस है, अन्य 5 है, आप शून्य है। और ये आपका जो शून्य है ये इसलिए है क्योंकि हिमाचल से आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया एक समय के बाद, और अगर वहां पर आम आदमी पार्टी होती तो शायद सेंधमारी हो जाती। सीधे रुख करेंगे सत्येंद्र चौहान का जो इस समय शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत दिलचस्प तस्वीर सत्येंद्र है यहां पर, और भूमिका अन्य की अहम हो जाती है। अब सवाल यह है कि अन्य कौन है, क्या ये वो बागी हैं जो पार्टी से अलग होने के बाद, टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज थे, चुनाव मैदान में उतरे और अपनी ताल ठोकी, तो यहां पर जो फिलहाल फिगर्स हैं अगर यही चीजें आगे कैरी होती हैं तो 5 जो अन्य दिखाई दे रहे हैं इनकी भूमिका अहम होने वाली है। आपको आवाज मिल रही है जी? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल चूहे बिल्ली का जो खेल होता है तकरीबन ऐसी तस्वीर यहां से आ रही है, कभी भाजपा आगे कभी कांग्रेस पीछे, कभी कांग्रेस आगे तो कभी भाजपा पीछे, और लगभग जो रुझान आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक जबरदस्त कड़ी कांटे की टक्कर हिमाचल में दिखाई दे रही है। 3 निर्दलियों की बात खास तौर से कही जा रही है, जिनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के वो बागी उम्मीदवार हैं जो पहले विधायक रहे लेकिन उनकी टिकट नहीं मिली इसलिए कट गए थे। इनके नाम मैं बता रहा हूं, नालागढ़ से बीजेपी के ही बागी केएल ठाकुर आगे चल रहे हैं, देहरा से बीजेपी के बागी होशियार सिंह, और हमीरपुर से कांग्रेस पार्टी के बागी आशीष कुमार आगे चल रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि जो बीजेपी की स्थानीय नेता हैं, केंद्रीय नेताओं, केंद्रीय हाईकमान के आदेश पर वो इन तीनों बागियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं, यानी कि जो बार बार कहा जा रहा था कि निर्दलीय या फिर बागी कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं, तो तकरीबन तस्वीर वैसी ही बनती हिमाचल में फिलहाल नजर आ रही है। और कांग्रेस के माफी चाहूंगा बीजेपी के जो प्रभारी थे तावड़े वो भी शिमला पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ सत्येंद्र बड़ी बात आपने बताई है, बड़ी बात आपने बताई है, जो अन्य है आपके पास लौटेंगे सत्येंद्र, जो बड़ी खबर आपने दी है उसके बारे में पहले अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें, तो बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर जो सत्येंद्र ने इस समय दी है वो ये कि जो 5 अन्य है जिनको लेकर लगातार सबकी नजरें टिकी हुई है कि 5 अन्य की भूमिका क्या होगी, इन 5 अन्य में से 3 वो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के बागी कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था वो अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरे, और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये 3 कैंडिडेट बीजेपी के लिए अहम हो जाएंगे, और इन 5 में से 1 कैंडिडेट कांग्रेस का बागी कैंडिडेट है तो वो कांग्रेस के लिए अहम हो जाएगा। और जैसा कि सत्येंद्र बता रहे थे कि पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अब सक्रिय हो चुके हैं, और अन्य की भूमिका को देखते हुए उनका ये सक्रिय होना साफ इशारा करता है कि पार्टी कितना इंपॉर्टेंस इन अन्य को दे रही है। सत्येंद्र इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा समीकरण उभर कर सामने आया है
यहां पर हमने ये देखा कि आम आदमी पार्टी ने खुद को एक तरीके से बैक ट्रैक कर लिया था एक फेज के बाद, एक सीमा के बाद, तो उसका असर भी ये कांटे के मुकाबले में देखने को मिल रहा है कि थर्ड कोई कॉर्नर था ही नहीं, लिहाजा सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में हो गई। देखिए हिमाचल का अगर इतिहास उठाकर आप देखते हैं तो अमूमन कांग्रेस और भाजपा, और अब की बार इन चुनावों में नारा क्या था, कांग्रेस कहती थी राज बदलेंगे और भाजपा कहती थी कि रिवाज बदलेंगे। रिवाज मतलब कि जो परंपरा बनी हुई थी, पांच साल में सत्ता बदल जाती थी उस रिवाज को वो तोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को छुआ और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं केंद्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही। कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान खासी बढ़त मिलती नजर आ रही थी और जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उनमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी। फिलहाल शिमला के कांग्रेस भवन पर मैं मौजूद हूं और ये देखिए यहां की तस्वीरें भी थोड़ी सी आपको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे जैसे ये रुझानों की तस्वीर आती है वैसे वैसे यहां की भी तस्वीर बदलती रहती है। कभी कांग्रेस भवन में यहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक दो सीट से आगे चलती है भीड़ खाली हो जाती है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही बनी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ये हो रहा है। और वजह यही है कि अभी तक ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता और ना ही कांग्रेस पार्टी का नेता कुछ कह पाने के हालात में है, स्थिति में है, और कोई भी बयानबाजी अभी तक नहीं आ रही है। हाँ, आज से पहले लगातार हर पार्टी के नेता दावेदारी कर रहे थे और ये मजबूती के साथ कह रहे थे कि दोनों ही दलों के नेता की सरकार हम ही बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों ने साफ कर दिया है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं निर्दलियों के पाले में जा सकती है और दोनों ही बड़ी पार्टियों को इन निर्दलियों और बागियों पर नजर डालनी होगी। हिमाचल के मूड की अगर सत्यन बात करें, देखिए आप बहुत सालों से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा तीनों स्टेट्स को समझते भी हैं और इलेक्शंस भी कवर करते आ रहे हैं। हिमाचल के मूड की बात करें तो एंटी इनकमेंसी वाला हमेशा फैक्टर वहां पर हावी ही रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस के नंबर्स की बात करते हैं 33 इस वक्त आए, जो अभी की बात करें 30 बीजेपी, क्योंकि एक पल यह भी आया था जब कांग्रेस 35 तक पहुंच गई थी, 36 तक पहुंच गई थी। अगर ऐसा होता है तो क्या सिचुएशन वहां पर बनती है ऐसे तस्वीर में, जब तीन अगर निर्दलीय वो जीत जाते हैं जो बीजेपी से अलग हुए हैं? देखिए नवजोत, हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में अमूमन जो है इतिहास ये रहा है कि कभी भी कोई पार्टी दोहरा नहीं पाई है अपनी जीत को, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा क्या दिया कि हम रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस कह रही थी कि राज बदलेंगे, लेकिन यहां यह समझने की जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो हिमाचल से आते हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो हिमाचल से आते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जुड़ाव खुद हिमाचल से रहा है, एक लंबे समय तक वो हिमाचल में रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन बड़े फैक्टर्स के बावजूद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ कड़ी टक्कर दी है बल्कि जो अब रुझान आ रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक भी अभी कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है।